हरियाणा की सियासत में एक बड़ा सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में खट्टर मंत्रिमंडल का अंजाम क्या होगा। क्या खट्टर का मंत्रिमंडल 2019 की तरह साफ हो जाएगा, क्या खट्टर का मंत्रिमंडल 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेगा, या खट्टर साहब का मंत्रिमंडल बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर आज के सियासी माहौल को देखें, आज के बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी देखें, आज की तारीख में कांग्रेस के प्रति पॉजिटिव माहौल को देखें, आज की तारीख में इनेलो जेजेपी और आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखें, तो साफ तौर पर नजर आता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में शामिल मंत्रिमंडल के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और ये लग रहा है कि 2024 में खट्टर मंत्रिमंडल का अंजाम 2019 से भी खराब हो सकता है। हम आपको पहले बता दें कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 के चुनाव में खट्टर मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के अलावा बाकी सारे मंत्री चुनाव हार गए थे। 3 मंत्रियों को टिकट भी नहीं मिला था, जिनमें राव नरवीर शामिल हैं, विपुल गोयल शामिल हैं और विक्रम ठेकेदार शामिल हैं, लेकिन बाकी के 9 मंत्री चुनाव हार गए थे। आपको ये बता दें कि चुनाव हारने वालों में रामविलास शर्मा शामिल थे, कृष्णलाल पंवार थे, कर्णदेव कंबोज थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, कविता जैन थी, कृष्ण बेदी थे, ओपी धनखड़ थे और मनीष ग्रोवर थे। चुनाव जीतने वालों में सिर्फ मनोहरलाल खट्टर के अलावा अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल शामिल थे। 2024 के चुनाव को लेकर खट्टर मंत्रिमंडल के लिए हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर आज की तारीख की तरह ही हरियाणा का सियासी माहौल रहा तो 2024 में खट्टर मंत्रिमंडल के सिर्फ 2.5 मंत्री ही चुनाव जीतने की दौड़ में शामिल नजर आते हैं। सबसे ऊपर सीएम खट्टर साहब का नाम है। खट्टर साहब 2024 में जीत की हैट्रिक करनाल से बना सकते हैं, उनकी जीत के आसार आज की तारीख में 100% नजर आते हैं। खट्टर साहब के लिए फायदा यह है कि वो प्रदेश के सीएम हैं और करनाल विधानसभा सीट के ऊपर आज भी पंजाबी वोट बैंक के बलबूते पर, बीसी और ओबीसी वोट बैंक के बलबूते पर खट्टर साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ नाराजगी तो है, लेकिन उनकी जीत का इतना बड़ा अंतर रहा है कि वो आधा कम हो सकता है, लेकिन खट्टर साहब आराम से जीत जाएंगे। बाकी डिपेंड इस बात पर करेगा कि खट्टर साहब के खिलाफ कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारती है, मीडियम उतारती है या कमजोर प्रत्याशी उतारती है। कर कांग्रेस के प्रत्याशी के हिसाब से ही खट्टर साहब की जीत का मार्जिन तय होगा। दूसरे नंबर पर आते हैं टोहाना के विधायक और जेजेपी कोटे से मंत्री देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली 2019 के चुनाव में 1,00,000 वोट हासिल करके धमाकेदार जीत हासिल कर गए थे। 2024 के चुनाव को लेकर भी देवेंद्र बबली की जीत के आसार 75% नजर आते हैं, यानी वो जीत की दौड़ में मजबूती से शामिल है। सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा होना ही बाकी है, उसके आधार पर उनकी जीत का पक्का या कच्चा होना तय करेगा, लेकिन 75% अनुमान के अनुसार वो जीत के सॉलिड उम्मीदवार हैं, उनकी जीत की प्रबल संभावना है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अगर मगर के दौड़ में फंसे हुए हैं, यानी दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में 50-50 जीत के मझधार में फंसे हुए हैं। उचाना का चुनावी माहौल बता रहा है कि वहां पर इस समय दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बड़ी नाराजगी है, लेकिन उचाना का चुनावी माहौल बता रहा है, सियासी माहौल बता रहा है कि वहां का चुनावी परिणाम साफ तौर पर वीरेंद्र सिंह की फैमिली तय करने का काम करेगी। वीरेंद्र सिंह फैमिली अभी बीजेपी छोड़ने को लेकर मुश्किल में फंसी हुई है, वो फैसला नहीं ले पा रही है, इसलिए वीरेंद्र सिंह की फैमिली के फैसले के अनुसार ही दुष्यंत चौटाला की हार जीत का आखिरी आकलन होगा। अगर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए तो फिर दुष्यंत चौटाला के बचने के कोई आसार नहीं होंगे, वो बड़ी हार के शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से बाहर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर या किसी और पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ा, फिर यहाँ पर ट्रायंगल फाइट बन जाएगी और ट्रायंगल फाइट में दुष्यंत चौटाला की जीत के आसार बने रहेंगे। इसके बाद में नंबर आता है अनिल विज का। प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज जीत की दौड़ में नंबर 4 पर शामिल हैं, उनकी जीत के आसार भी 50-50 हैं। अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर अभी हालात क्लियर नहीं हैं, अभी ये तय नहीं है कि निर्मल सिंह का परिवार क्या आम आदमी पार्टी में बना रहेगा या कांग्रेस में वापसी करेगा। अगर निर्मल सिंह का परिवार कांग्रेस में चला जाता है तो फिर वे अनिल विज चुनाव हार जाएंगे, और अगर निर्मल सिंह का परिवार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो फिर अनिल विज की जीत के आसार 50-50 रह जाएंगे, यानी वो कांटे के फैसले में मुकाबले में फंस जाएंगे। बाकी के सारे मंत्रियों के लिए फिलहाल हार के आसार नजर आ रहे हैं, यानी खट्टर मंत्रिमंडल के बाकी बड़े मंत्री, चाहे वो कृपाल गुर्जर हों, चाहे खेल मंत्री संदीप सिंह हो, चाहे कमलेश ढांडा हो, चाहे कमल गुप्ता हो, चाहे ओम प्रकाश यादव हो, चाहे मूलचंद शर्मा हो, चाहे जेपी दलाल हो या डॉक्टर बनवारी लाल हो, अनूप धानक हो, सारे के सारे मंत्री इस समय
हार के खतरे में घिरे हुए हैं, हार के गोल दायरे में आए हुए हैं, उनके ऊपर लाल निशान लगा हुआ है। इन मंत्रियों में से जेपी दलाल ही एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव जीतने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके हल्के के समीकरण भी अजीब टाइप के हैं। अगर उनके खिलाफ कांग्रेस का एक मजबूत उम्मीदवार आ गया तो जेपी दलाल चुनाव में फंस जाएंगे, और अगर लोहारू में ट्रायंगल फाइट हुई तो जेपी दलाल चुनाव जीत जाएंगे। बाकी के मंत्रियों के लिए बिल्कुल भी हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि खट्टर सरकार के मंत्रियों के खिलाफ वैसा ही माहौल है जैसा 2019 में है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कुछ मंत्रियों के खिलाफ तो इतना ज़्यादा खराब माहौल है, इतना नेगेटिव माहौल है कि उनकी जीत का दरवाज़ा नज़र ही नहीं आता है। खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल के लिए 2024 में भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अधिकांश मंत्री चुनाव हार सकते हैं। खट्टर मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह से जनता के अंदर नाराजगी है, वो नाराजगी ही इन मंत्रियों की हार का कारण बन सकती है। 2019 के चुनाव में विपरीत हालात में भी डॉक्टर बनवारीलाल आराम से चुनाव जीत गए थे, लेकिन बावल हलके के इस समय के समीकरण बता रहे हैं, इस समय बनवारीलाल के खिलाफ जनता का मिजाज बता रहा है कि 2024 के चुनाव में बनवारीलाल भारी वोटों से चुनाव हार सकते हैं। 2019 में बेशक वो सत्ता विरोधी माहौल से बच गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर उनके खिलाफ बावल में बड़ी नाराजगी का आलम है, जिसके चलते बनवारीलाल भी चुनाव हार सकते हैं। संदीप सिंह और कमलेश ढांडा भी ऐसे मंत्रियों में शामिल हैं जिनके खिलाफ सबसे बड़ी नाराजगी है, जो जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए इन मंत्रियों के खिलाफ भी बड़ा नेगेटिव माहौल है। जहां तक प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर का सवाल है, तो कौरपाल गुर्जर भी जगाधरी सीट के ऊपर काफ़ी संकट में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के अकरम खान और आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल सिंह दोनों ही उनको घेराबंदी में जुटे हुए हैं। इस मामले में दोनों सफल भी हैं और कौरपाल गुर्जर नंबर 3 पर रह सकते हैं। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी काफ़ी संकट में हैं। यह भी कह सकते हैं कि खट्टर सरकार में सबसे ज़्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड संदीप सिंह के नाम हो सकता है। काफ़ी विवादों में घिरे हुए संदीप सिंह के लिए 2024 के चुनाव में पहली बात तो टिकट मिलना मुमकिन नहीं होगा, अगर उन्हें टिकट दी गई तो वो बड़ी हार के शिकार होंगे। कलायत से विधायक और प्रदेश की महिला विकास मंत्री कमलेश ढांडा भी इस समय नेगेटिविटी से घिरी हुई हैं। उनके हलके के अंदर उनके प्रति बेहद नाराजगी है और कमलेश ढांडा भी 2024 के चुनाव में बड़े मार्जिन से चुनाव हारती हुई नजर आएंगी। कमल गुप्ता हिसार से मंत्री हैं, वो 2 बार विधायक बन चुके हैं। अगर बीजेपी ने 3री बार भी उनको टिकट देने का काम किया तो कमल गुप्ता को कोई हार से नहीं बचा पाएगा। ओम प्रकाश यादव नारनौल से मंत्री हैं और राव इंद्रजीत की मेहरबानी से मंत्री बने हैं। 2024 को लेकर ओम प्रकाश यादव के खिलाफ भी जहां राव इंद्रजीत के फैमिली में ही नाराजगी है, वहीं नारनौल हल्के के लोग भी ओम प्रकाश यादव से छुटकारा चाहते हैं और उनको हार का मजा चखाना चाहते हैं। यही वजह है कि ओम प्रकाश यादव के लिए भी 2024 अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। पहली बात, उनकी टिकट की गारंटी नहीं है, और अगर टिकट मिल भी गया तो ओम प्रकाश यादव के लिए हार के चांस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। मूलचंद शर्मा के खिलाफ उनके बल्लभगढ़ हल्के में बड़ी नाराजगी है, लोगों में नेगेटिव माहौल है और मूलचंद शर्मा के लिए जीत के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। अनूप धानक जेजेपी कोटे से मंत्री हैं और वो उकलाना से विधायक हैं। अनूप धानक के लिए सबसे खराब बात यह है कि उनके खुद के समाज के अंदर भी उनके प्रति पॉजिटिव माहौल नहीं है। जेजेपी के 3 मंत्रियों में से अनूप धानक ही सबसे ज़्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वैसे तो उकलाना हल्का चौटाला परिवार और दुष्यंत चौटाला का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अनूप धानक किसी भी सूरत में 3री बार विधायक नहीं बन पाएंगे, उनके लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो सकता है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी उन मंत्रियों के कतार में शामिल हैं जो 2024 में हार के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। रानिया से विधायक रणजीत सिंह निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीते थे और 32 साल के बाद सत्ता में हिस्सेदारी की थी, लेकिन उनके ऊपर भी पब्लिक की नेगेटिविटी का असर है, जनता उनसे नाराज है, जिसके चलते 2024 में रणजीत सिंह के भी चुनाव हारने के पूरे आसार हैं। उनके लिए जीत का कोई भी दरवाजा खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने इस तरह से आपको बता दिया है कि खट्टर मंत्रिमंडल को लेकर 2024 के चुनाव में बेहद नेगेटिव हालात हैं और 2019 से भी खराब अंजाम खट्टर मंत्रिमंडल का हो सकता है। खट्टर मंत्रिमंडल के लिए 2024 में बेहतर प्रदर्शन के आसार नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि विधायकों से ज़्यादा मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी है। मंत्री होने के नाते जनता की और समर्थकों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और इन उम्मीदों पर खरा उतरने में
खट्टर सरकार के अधिकांश मंत्री नाकाम रहे हैं। खुद खट्टर साहब भी सीएम होने के बावजूद करनाल की जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे। उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन उनके हलके के समीकरण इस टाइप के हैं कि वो हार नहीं सकते हैं। वहाँ कांग्रेस के पास मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है, जिसके चलते खट्टर साहब के लिए रास्ता आसान नजर आता है। लेकिन आप मान सकते हैं कि खट्टर साहब की जीत का अंतर भी पिछली बार से आधा रहेगा, और जब खट्टर साहब ही आधी जीत के अंतर पर आ गए हैं तो बाकी के मंत्रियों का अंजाम क्या होगा, आप आराम से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। खरी-खरी न्यूज़ का आकलन साफ है कि 2024 के चुनाव में खट्टर मंत्रिमंडल का अंजाम 2019 से खराब होगा, यानी मुश्किल से एक दो मंत्री ही जीत पाएंगे, बाकी मंत्रियों के लिए हार का परिणाम इंतजार कर रहा है। 2024 में खट्टर मंत्रिमंडल के मंत्रियों का अंजाम जानने के लिए आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में खट्टर मंत्रिमंडल के जिन सदस्यों की टिकटें कटेंगी उनके नाम जानने के लिए आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में खट्टर मंत्रिमंडल के जिन मंत्रियों का बेहद खराब अंजाम होगा उसका आकलन जानने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।